हे गाइस नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ना होने वाला है कि अभी बज रहे रात की 1 और अभी जाएंगे हम नर्मदा परिक्रमा कर लेंगे। अभी हम हैं तिलकवाड़ा में और तिलकवाड़ा से सीधा जाएंगे रेगन और रेगन से नाव में बैठ कर जाएंगे रामपुरा और वापस से परिक्रमा पूरी करेंगे। बने रहा मेरे साथ। अभी तिलकवाड़ा गाँव से पैदल चल के जा रहे हैं आगे जो नर्मदा तट है वहाँ पे। हमारे साथ बने रहना, मजा आएगी। यहाँ पे पहुँच गए हम सब लोग। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे जाना है और कैसे निकलना है यहाँ से। दोस्तों ये है मणिनागेश्वर मंदिर जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दर्शन करके आगे निकलेंगे। अब भी दर्शन की लीजिए, ये मणिनागेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदा परिक्रमा, अभी आए हैं नर्मदा परिक्रमा, जा रहे हैं मणिनागेश्वर मंदिर से आगे। कितने लोग आए हैं, सारे लोग ये भाई अमीर को चक के कैसे फीडबैक देंगे। भाई थोड़ा सा पीछे दो, कैसे लगेगा? तो सारी है हमारे टोकन लेवाड़ी सिस्टम तो सारा ठीक है। हमारा सिद्धार्थ जी प्रमाण जल्दी को हमें अभी नहीं सुना। नहीं भाई अच्छी बात कर रहे हैं, सेवा में आ जाएगी एक दिन इधर खड़े हो जाएंगे और सेवा करेंगे सब। जय नर्मदे नर्मदे हर आगे चलो। यहाँ से सीधा जाएगी आगे 1 किलोमीटर। मयूर भाई आगे चल रहे हैं, क्या बताएगा आप? कैसा मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत बहुत अच्छा। खोले खोले ठंडी लगती है। कहाँ पे आए? इधर आ गए संगीत संध्या देख के। किलोमीटर आगे आ गए। बित्तू बंगा भी आ गए, वो मिलेगा अभी। अच्छी अच्छी ज्यादा हम दे रहा है। हमारे साथ हमारे साथी मित्र दर्पण और पीछे हमारे बड़े साथी मित्र मयूर भाई जो बिल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यहाँ पे जीरा मसाले वाली छाछ बहुत ही बढ़िया थी। ज्यादा पीने की इच्छा हुई लेकिन हम नड़ गए। अभी यार लिमड़े के नीचे है। हाँ तो यार 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं और बहुत ही शानदार जंगल आ गया है। मेरे ख्याल से मैंने जो सोचा था उससे ही ज़्यादा ही अच्छा ये रूट है। और जो सेवा थी है या सेवा दे रहे बहुत ही बढ़िया उनका काम है। मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। अभी बंदे ना पाटी थी मुझे नाश्ता और खुना रही। तरबूज की सेवा ले रही। तो अभी आधा रास्ता हमने आधा हो गया, आधा तय कर लिया है। आधा तय कर लिया है। अभी 4.5 किलोमीटर हो गया है, थोड़ा कम हुआ है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमको 10 किलोमीटर चलना है इधर। ये देखिए आगे का नज़ारा, अंधेरा काया बहुत पब्लिक है।
अभी पब्लिक का शोर कम सुनाई देता है क्योंकि हम अकेले हो गए। अभी हवा खाली आ रही है, ठंडी बहुत ही ज्यादा। आप महसूस कर रहे हो? चलो चलो यहाँ से आगे निकल चुके हैं। पानी भर के नाश्ता ली, हिरण करण नाश्ता नमस्ते ने बिल्कुल अभी सेव कम नहीं खाई। अभी हमने रणछोड़ राय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो सेवा दी गई थी वो सेवा का भरपूर लाभ लिया। कोई बात नहीं, हम भी ऐसी टोकन दे देंगे आगे आगे दे दीजिए जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे। अभी आगे भाई जा रहे हैं, ये देखिए केल, ये पूरा जंगल ये केला है सब। अभी कैसा लग रहा है? नर्मदा परिक्रमा में मैंने सोचा नहीं था, उससे भी ज़्यादा अधिक खुशी हो रही है मेरी को। और अभी आगे जा रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से 5 या 6 किलोमीटर हमने पार कर लिया। अभी यहाँ पे भजन भी चल रहा है, गुजराती गीतों बज रहे, माता नी वातना था ऐसे बोल रहे। अभी आगे आए हैं मंदिर के पास, आप कुछ मंदिर दिख रहा है आगे यहाँ पे। हम क्या सोचते हैं कि अभी एक फड़ का झाड़ दिखाई दे तो उधर जाके वो एक दातन बातन तोड़ ले, ऐसा करते हैं। हाँ मेरे है। मैं ब्रश लेके आया हूँ लेकिन टूथपेस्ट नहीं लाया, तो ऐसा हमने सोचा है कि हम आगे जाएंगे। कुछ काटने के लिए चाहिए ना? वो तो काट देंगे। अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ युवा विभाग से। आ चुके हैं एक मंदिर है यहाँ पे श्री राम भगवान का। हिंदी में, हिंदी हमारी ऑडियंस हिंदी है। आपको कैसा लगा तो परिक्रमा में? आपको कैसा लगा परिक्रमा में? ऐसे तो देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे मतलब दिल को अच्छा लगने के लिए नहीं पर मन से अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने मन से परिक्रमा किया है। और हमारे साथ एक बेनी भाई जुड़ चुके हैं, सब आयोजन किया है विजय भाई के साथ। विजय ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग बन रहा है ना। चलो पीजिए लस्सी। हाँ जो यहाँ पे मजा इतना बड़ा नदी का बड़ा पानी मजा आता है। इतनी पैदल चलने का है, बहुत ही अच्छा रास्ता है यहाँ से। या नंदी महाराज देखते हैं अभी क्या होता है आगे। बोलिए आप कुछ। नंदी महाराज को देखकर कैसा लगा आपको? कितने किलो से बना हुआ है? 51,000 किलो पिक्सल से बना हुआ है नंदी महाराज का स्टैचू है। मुझे लगता है स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने से पहले इधर भी आना चाहिए, अपनी संस्कृति अपने धरोहर को भी देखने चाहिए। बराबर है, तब आगे जाते हैं। अभी आगे जाते हैं। अभी यह रास्ता बना हुआ है, देखो रास्ता कैसा बना हुआ है। ये जोधपुरी फैम से बना हुआ है। क्या लग रहा है आपको? देखो सुबह में बैठने के लिए यहाँ पे वो क्या बोलते हैं छतरी भी है, वो अब कुर्सी में बैठते हैं। चलो आगे बीच वाला माहौल क्रिएट किया हुआ है।
आप हम भी बैठे, चलो आगे कुर्सी में बैठे ना, बीच वाला माहौल है। और पाड़ी फोटो करो, चलो शायद तीन जा कुर्सी, चलो। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं रेगन गांव। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं भैया, माहौल है। ये हमारे मयूर भाई, मजा ले रहे हैं। मयूर भाई तो ज्यादा मेरे से ज्यादा मजा ले रहे हैं, देखो काफी बढ़िया बहुत किया इधर, बहुत अच्छा माहौल। तो दोस्तों हमारे विजय भाई इधर बैठा है और इस जगह के बारे में कुछ बताएंगे, तो आप सुनिए। नंदी महाराज जो 5100 किलो से बने, पीतल से बने हुए हैं। अगर आपको भी योगदान देना है तो 5100 रुपये दे के एक किलो पीतल का योगदान दे सकते हो। हम मयूर भाई को पूछो कुछ, क्या मयूर भाई आगे बोल सकते हो कुछ, क्या लगता है इधर आके? बहुत अच्छा सुकून मिलता है। कौन कहाँ भी पहुँच गए आप? रेगन गांव पे है। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, फिर आगे जाके वो नावड़ी पे जाएंगे। यहाँ से सब लोग जाते हुए बहुत अच्छा माहौल। महादेव का हाथ, महादेव के हाथ, महादेव का हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी। चलाड़ो चाल से हड़ो, दूर थे दर्शन नहीं, चाल से हड़ो ला हड़ो। यहाँ पे हो रहा है यज्ञ और यहाँ से जाएंगे सीधा रेगन गांव से लाइन लगी हुई है पूरी। हमारी बोट हमारी तरफ आ रही है, काफी बढ़िया है, धीरे धीरे आ रही है, पब्लिक है इधर जा रही है, इसमें बैठ के जाएंगे, हम इसमें बैठ के जाएंगे। उत्तर वाहिनी नर्मदा बड़े, हम अभी बोट में आ गए हैं। कितनी सारी पब्लिक है देखो, देखो पब्लिक भाई, मोरबी जो से सबको चिंता है। लाइफ जैकेट पहरा है नहीं कोई ने ना, चल बे लाइफ जैकेट ले लो आगे। देखो ये हमारी पकड़ लिया, मयूर भाई क्या बोलती कंपनी। चले चाण ले पर्वते शत्रु मध्ये हरणे शरणे सदा मा प्रपाहि गतिस्वम त्वमेका भवानी। नर्मदे सर्वदे जय सिया राम। फोटो नहीं आवे, वीडियो जाओ से। अरे नजीक ही पहुंचवा मारे बंद कर। पर हम पहुंच गए हैं दूसरे किनारे पे आ गए। अब क्या करने का भैया?
देखो यहाँ पे तो अभी पहुंचे हम रामपुरा। अभी जस्ट नावड़ी से नीचे उतरे हो और यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे आए हैं और ये बैठे हैं हमारे परिक्रमावासी इधर बैठे हैं। वापस यहाँ से वापस जाते हुए जूना रामपुरा से कहाँ से जूना रामपुरा मयूर पे आगे जाते हुए हो चुकी है। सुबह के 5 बजे है। अभी पहुंचे हैं हम रामपुरा के आगे मड़स का हो गया हुए ये अभी तो सामने देखिए सामने देखिए ये ऐसा दिखता ही था तो अभी हम पहुंचे हैं रामपुरा के आगे कौन सा है गिरीश कुमार मेहता एजुकेशन कैबिनेट ट्रस्ट इस तरफ से फुलवड़ी और चाय की व्यवस्था है यहाँ पे और फुलवड़ी खा रहे हैं काफ़ी अच्छी फुलवड़ी है एक के फुलवड़ी और यहाँ पे चाय मिलती है बहुत ही ज़्यादा चाय चाय पिएंगे और फुलवड़ी खाएंगे आगे निकलेंगे परिक्रमा पूरी करेंगे घर जाके सो जाएंगे। थैंक यू। अब यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ से मेरे ख्याल से दातन ले लेंगे मयूर भाई तो पता नहीं अब दातन लेंगे कि नहीं। ये देखो वर्ड सुबह हो चुकी है मामू सुबह हो गई मामू मामू ये मामू देखो सुबह हो गई है चल रहे हैं हमें रास्ते पे ब्लॉगिंग करते करते हमारे साथ है वन ओनली दप्पा दप्पा चल रहा है इधर अभी कुत्ते। तो अभी पहुंचे हैं मांगरोल ऐसा तो गर्जन भी मांगरोल है पता है आपको हाँ। और मांगरोल में चलते चलते जा रहे हैं अभी ये देखिए ये बोर्ड दिखा ये हमारे मयूर भाई वाकानी वाकानी भाई आपने इतने 8 वाजे भाई नवरात और भी बताया करूँ लाइटिंग आवाज हो मांगरोल से आगे जा रहे हैं मेरे ख्याल से अभी काफ़ी कुछ चलना है थक गए देखते आगे कितना चलना है अभी तो कितने बजे शाम के 6:15 बजे ये देखिए हमारे दर्पण भाई सुबह का नज़ारा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आ रहा है सब जगह पे आम्बे रोपे हुए हैं और ये देखिए सुबह सुबह में हम इधर पहुँचे अभी सनराइज़ हो चुका है अभी अभी कितनी परिक्रमा बाकी है पता नहीं लेकिन यहाँ से अभी तो जो तट होगा वहाँ से निकलना पड़ेगा हमको आगे जा रहे अभी अभी एक दूसरा आश्रम आया है तपोवन आश्रम उदासीन गथर गथर सरवार सरवारंभ पति की आगे ये देखिए यहाँ से जाएगा सीधा संत शिरोमणि महानुभव इफ यू वांट टू ममरा आश्रम यहाँ से दिखने को मिलता है यहाँ पे देखो इधर कैरी आप उसके कैरी है देखो यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में कैरी देखने को मिलती है लोगों का मन और यहाँ से सीधा जाएंगे अभी तपोवन आश्रम है पूज्य पूर्णानंद सरस्वती जी जाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ तो यहाँ से फ्रेश होके निकले हैं यहाँ पे आप जब भी आओ तो तपोवन जो आश्रम है वहाँ पे आप वो कर सकते हो
चलते चलते चाय की चुस्की लेते हुए हम यहाँ पे तपोवन में बहुत ही फ्रेश हो गए क्या। अनवॉटेबल चाय चुस्की, ये बेहतरीन वादियों में चाय की चुस्की ले रहे हैं हम। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, ये देखिए यहाँ का नजारा। खड़ खड़ वह तू जाए तारु पानी, ये देखिए अब यहाँ पे क्या नजारा है यार। ये पहुंच चुके हैं सीताराम आश्रम। यहाँ भी पहुंच गए हैं खोड़िया माता के मंदिर। आम का पेड़ खाते हैं बूंदी गाठिया। साला आता यहाँ से निकल चुके हैं अभी। कौन सा आश्रम है? यहाँ से बूंदी और गाठिया खाके सीधा नीचे नर्मदा मैया की शरण में। खाली कैप्चर ना करता है। चलो यहाँ से अभी नहाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहाने के लिए। नहीं इधर नहाने के लिए बहुत ही अच्छा तट है। जेडी भाई को फोन करिए। चलो फोटो फोटो पाड़िए। नहीं नहीं पजाओ। नर्मदेश्वर महादेव बहुत ही बढ़िया यहाँ सा नजारा बहुत ही बढ़िया। हिंदी बोला, हिंदी तो गाइज अभी बजे शाम के 6 और मैं नर्मदा परिक्रमा करके घर पे करीबन 1 बजे आया था दोपहर को। और परिक्रमा बहुत ही शानदार रही मेरी, मुझे बहुत ही मज़ा आया। और जो लास्ट में हमने जहाँ पे नहाया था वहाँ से 1 किलोमीटर पुल था, वहाँ पे नर्मदा का परिक्रमा पूरी होती है, उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा। कहा जाता है कि आप 3000 किलोमीटर पूरी नर्मदा परिक्रमा का फल ये उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा देती है। तो बहुत ही मज़ा आया, आप भी जाइए, लेकिन अब 1-2 दिन ही बाकी है। और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।